हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट कोकोपीट में लगा हुआ है। ऑलमोस्ट यहां पे जितने भी प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, ये सारे प्लांट्स कोकोपीट में लगे हुए हैं। और ये जो प्लांट की एज है, एक साल से अंदर ही है। एक साल में ये प्लांट ने कोकोपीट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। बहुत ही अच्छी लीव्स की कंडीशन है। आप सभी को, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो, आप पता होगा कि अभी जो मेरे यहाँ वाटर शॉर्टेज है, उसके बावजूद भी मेरे जो कोकोपीट वाले प्लांट हैं वो इन कंपैरिजन टू सिंडर ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कोकोपीट हमेशा मॉइस्चर को पकड़ के रखता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट 10 पॉइंट है कोकोपीट का, खास करके समर सीज़न में। यहाँ पे एक प्लांट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो देख रहे हैं, ये प्लांट का नाम होगा, शायद मुझे नहीं पता, टैग यहाँ पे है, बता देता हूँ। ये प्लांट का नाम है फ्रेग्रेंट प्लम। अब ये जो प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लांट मैं लाया था, और अभी जैसे कि प्लांट की कंडीशन देख रहे हो, प्लांट की ब्रांच की थिकनेस देख रहे हो, बहुत ही अच्छी बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये एक बेजल निकल चुकी है। प्लांट के ऊपर लीव्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे जो वाइट कलर के आप पार्टिकल्स देख रहे हो, ये है पर्लाइट। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पर्लाइट डालने से प्लांट के अंदर, क्योंकि पर्लाइट ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करता है, तो बारिश की सीज़न में पर्लाइट प्लांट को नुकसान कर सकता है, इसके रूट सिस्टम को नुकसान कर सकता है। तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट दौर पे मैंने किया है कुछ प्लांट पर्लाइट में। एक तो ये प्लांट किया है, एक ये जो स्टैंडिंग रोज देख रहे हैं जिसका नाम है जोश, वो प्लांट के अंदर भी मैंने पर्लाइट डाला हुआ है। मैंने 3 पार्ट कोकोपीट लिया है, 1 पार्ट पर्लाइट लिया है। आप उससे कम पर्लाइट भी ले सकते हो, आधा पार्ट पर्लाइट भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 1 पार्ट पर्लाइट लिया है, यानी कि 3:1 का रेशियो मैंने रखा हुआ है। पर्लाइट की वजह से प्लांट के अंदर मॉइस्चर हमेशा बना रहता है, और ये पानी का ड्रेनेज भी अच्छा करता है। तो मॉनसून की सीज़न में, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं दूसरों के ज़्यादा मैं बात नहीं कहता, और दूसरों क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक्सपीरियंस करूंगा मॉनसून की सीज़न में कि पर्लाइट की वजह से क्या मेरे रोजेज में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो कोकोपीट तो मेरे यहाँ सक्सेसफुली चल गया है। कोकोपीट में पहले बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस थे कि कोकोपीट गर्मी में हीट पकड़ लेता है, गर्मी में वो रूट्स को बर्न कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं। कोकोपीट गर्मी की सीज़न में इनफैक्ट सबसे बेस्ट मीडिया होगा, अगर आप समर सीज़न में रोजेस को ग्रो करना चाहते हो, और कोकोपीट सबसे बेस्ट मीडिया होगा समर सीज़न में, उसके ऊपर से आपको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब दूसरा मिसकॉन्सेप्शन लोगों में चल रहा है कि पर्लाइट की वजह से रूट सिस्टम के आसपास बहुत सारा पानी और मॉइस्चर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके रूट सिस्टम रॉट हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं प्रूव करना चाहता हूँ, जैसे कि पर्लाइट मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और पर्लाइट ऐड करके भी मुझे बहुत दिन हो चुके हैं, प्लांट के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी चल रही है, जैसे कि देख रहे हो प्लांट की कंडीशन। और यहाँ पे जो देख रहे हो, जहाँ से मैंने फ्लावर्स कट किए हैं, वहाँ से न्यू शूट्स भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इनफैक्ट प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, और फास्ट ग्रोथ रेट है, रूट सिस्टम इसके बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं। तो कोकोपीट और पर्लाइट के ऊपर अभी मैं धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कोकोपीट पे शिफ्ट हुआ था, अब मैं कोकोपीट प्लस पर्लाइट में शिफ्ट होने वाला हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है, और रिज़ल्ट आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगा, मॉनसून्स में भी शेयर करूँगा, मॉनसून्स के बाद भी मैं ये रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मेरे, जो पूछ रहे हैं कि सर आप कोकोपीट से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाइए, जिसके अंदर हमें पता चले कि कोकोपीट मीडिया हमें कैसे इस्तेमाल करना है, फर्टिलाइजेशन कैसे करना है, वाटरिंग कैसे करनी है, पॉट कैसे लेना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको ये टॉपिक में इंटरेस्ट है तो पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है। जिसको ये टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, वो यहाँ से ही वीडियो बंद करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, ये सारे रोज कोकोपीट में लगे हुए हैं, रिजल्ट आपके सामने हैं, बहुत ही अच्छी थिक और मोटी ब्रांचेस भी प्लांट के ऊपर से निकल रही है, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मोटी सी ब्रांच निकली हुई है, पूरी कांटों से भरी हुई ब्रांच। और तो ये कोकोपीट का मीडिया का पहला प्लस पॉइंट है। अब कोकोपीट मीडिया हमें कैसे इस्तेमाल करना है, अब जैसे कि फ्रेंड्स, कोकोपीट मीडिया का जो TDS होता है, यानी कि उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, उसका जो क्वांटिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं कोकोपीट में, जो हम कोकोपीट की ब्रिक लाते हैं डायरेक्ट मार्केट से, दुकान से, तो उसको सबसे पहले हमें अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने का तरीका क्या है,
देखिए वॉश करने का तरीका आप सिंपल तरीके से भी वॉश कर सकते हैं, कम से कम 6 से 8 बार या तो 10 बार, जितनी बार आप वॉश करोगे उसके अंदर का जो TDS है वो लो हो जाएगा, जो आपके टैप वाटर यानी कि म्यूनसिपल का जो पानी आता है उसका जो TDS रहेगा वो TDS आपके कोकोपीट का हो जाएगा। अगर आप उसको बहुत ही लो TDS वाटर में वॉश करोगे, जैसे कि आपने RO के पानी में वॉश किया है, तो बाद में RO का पानी का जो TDS है वो TDS अपना कोकोपीट एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये कोकोपीट की फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो TDS का आप पानी दोगे वो TDS का कोकोपीट हो जाएगा। अगर आप रेगुलरली RO वाटर देते हो तो कोकोपीट का भी TDS RO वाटर के TDS से इक्वल हो जाएगा। तो ये पहला प्लस पॉइंट है कोकोपीट का। अब इसके वॉश करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा TDS है, लोग थक जाते हैं, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मैंने निकाला है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक 12 इंच का पॉट है मेरे पास और यहाँ पे कोकोपीट है। अब ये जो कोकोपीट है ये ऑलरेडी वॉश्ड कोकोपीट है, ये मेरे पास बहुत लंबे टाइम से है, मैं और डेली एक चीज़ मैं ये कोकोपीट के अंदर करता हूँ वो है वाटरिंग। अब अगर आप नया कोकोपीट लाते हो उसको पहले थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए, ब्रिक फॉर्म में से आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे करना है आप सभी को पता है, पानी में डाल दीजिए अपने आप ही वो अलग हो जाएगा। तो जैसे ही वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको इसे एक 12 इंच के गमले में भर देना है। मैंने ये कोकोपीट को 12 इंच के गमले में भर दिया था और बाद में भरने के बाद आप डेली उसके अंदर पानी दीजिए, डेली वाटरिंग कीजिए, कम से कम 15 दिन या तो 10 दिन या तो 20 दिन, जितना ज़्यादा पानी दोगे उतना ही अच्छा होगा। अब जैसे ही आप पानी डालते जाओगे वैसे वैसे उसका TDS लो होता जाएगा। जैसे ही आप पानी डालोगे डेली वाटरिंग करोगे तो कोकोपीट अपना TDS टैप वाटर का TDS के साथ मैच कर लेगा। अगर आप RO का पानी देते हो तो RO के पानी के वो TDS मैच कर लेगा, तो कोकोपीट का TDS विदाउट एनी मेहनत अपने आप ही कम हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का ये कॉमेंट आएगा कि सर कोकोपीट के अंदर अगर हम डेली पानी देंगे तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा जो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। ये पूरी बकवास चीज़ें हैं। देखिए हमने कोकोपीट के अंदर प्लांट लगा दिया है, ये कोकोपीट के अंदर प्लांट जो लगा हुआ है अराउंड कम से कम 6 से 7 महीने हो चुके हैं, कोई प्लांट 4 महीने के है, कोई प्लांट 2 महीने के है, कोई प्लांट 6 to 7 months के भी है। तो आप देख लीजिए अगर कोकोपीट डिकम्पोज होता है तो ये गमले के अंदर ही रूट सिस्टम के आसपास ही होगा, और अगर वो डिकम्पोज होता भी है तो उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, डिकम्पोज होने दीजिए उसको। डिकम्पोज होगा तो फाइनली न्यूट्रिएंट्स प्लांट के रूट्स को ही मिलेंगे, तो डिकम्पोज होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। अब लोग बोलेंगे सर उसमें से हीट निकलेगी, देखिए हीट नहीं निकलेगी अगर आप ये कोकोपीट को कवर करके रखते हो। जैसे कि फ्रेंड्स ये कोकोपीट को मैंने फुल्ली एयरटाइट ऐसे कवर करके रखा हुआ है तो बाद में उसके अंदर हीट जनरेट होगी, लेकिन अगर आप कोकोपीट को ऐसे रखोगे तो उसके अंदर हीट जनरेट नहीं होगी, एयर सर्कुलेशन एयर मूवमेंट होगा जिसकी वजह से वो जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होगा और आपका जो प्लांट को एयर मूवमेंट एयर सर्कुलेशन मिलेगा वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, हीट भी जनरेट नहीं होगी और वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा। अगर हीट जनरेट होती मेरे कोकोपीट में तो बाद में ये सारे जो प्लांट के लीव्स है वो बर्न हो जाते, रूट सिस्टम बर्न हो जाते, तो लीव्स इतनी आते ही नहीं क्वांटिटी में, लीव्स की क्वांटिटी कम हो जाती, पीले पत्ते होना स्टार्ट हो जाते। तो ये इश्यू नहीं है मेरे प्लांट में क्योंकि ये सिर्फ 100% कोकोपीट में लगा हुआ है। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, कोकोपीट को हमेशा 100% यूज़ कीजिए, उसके अंदर कुछ भी मत मिलाइए, वर्मी कॉम्पोस्ट भी नहीं मिलाना है, नीम खली बोन मील कोई भी फर्टिलाइज़र उसके अंदर नहीं मिलाना है, 100% प्योर कोकोपीट यूज़ कीजिए। अब लोग बोलेंगे कि सर आपने अभी परलाइट का बताया, परलाइट एक ऐसा मीडिया है जो कोकोपीट के साथ कॉम्पैटिबल है, उसको आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि परलाइट की वजह से बहुत सारा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, रूट सिस्टम डैमेज होता है, रॉट होते हैं, तो वो चीज़ फॉल्स है, गलत है। वो चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने ये प्लांट एक्सपेरिमेंट के दौर पर रखा हुआ है, पूरे मॉनसून्स में बारिश का पानी नॉन स्टॉप इसके अंदर जाएगा, मैं आपको ये प्लांट का रिजल्ट बताऊंगा। आपने प्लांट का नाम भी देख लिया है फ्रेग्रेंट प्लम, प्लांट भी देख लीजिए, यही प्लांट मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा। अगर ये प्लांट फेल हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कोकोपीट के अंदर परलाइट डालने से ये प्लांट फेल हो गया, लेकिन ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन एट प्रेजेंट आप ये मान के चलिए कि हमें सिर्फ 100% कोकोपीट ही लेना है। अगर आप 100% कोकोपीट लोगे तो बाद में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप कोकोपीट के अंदर वर्मी कॉम्पोज मिक्स कर दोगे या तो बोन मील मिक्स कर दोगे या तो आपने मिट्टी सॉयल मिक्स कर ली या तो आपने सिंडर मिक्स कर लिया तो बाद में इसमें रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती है। अब ऐसा क्यों,
बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पीएच मैच नहीं करेगा। कोकोपीट का जो पीएच है वो 6.5 टू 7 के आसपास है, जबकि सॉइल का पीएच अलग हो सकता है, बाद में जो सिंडर है उसका पीएच अलग हो सकता है, वर्मी कॉम्बोस का पीएच अलग हो सकता है, राइज हस्क का पीएच अलग हो सकता है। तो ये सारा जो मीडिया है वो मीडिया से आप अलग ही रखिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए गार्डनिंग में कि हमेशा एक सिंगल मीडिया अगर आप यूज़ करोगे विदाउट एनी कॉम्बिनेशन तो उसमें आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा बजाय उसके अंदर 10 तरह की चीज़ें मिक्स करने से। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंडर की भी बात कर लेता हूँ, अगर आप सिंडर मीडिया यूज़ करते हो तो 100% सिंडर मीडिया यूज़ करिए, 100% सिंडर मीडिया, प्योर सिंडर मीडिया यूज़ करोगे तो उसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे ही आप कोकोपीट अगर आप 100% यूज़ करोगे तो बाद में आपको उसके अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक सिंगल पीएच मिलेगा प्लांट को, एक सिंगल टीडीएस मिलेगा, क्योंकि सॉइल का टीडीएस अलग हो सकता है, सिंडर का टीडीएस अलग हो सकता है, बाद में जो भी दूसरा आप इंग्रेडिएंट ऐड करते हो जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट, काउडंग कॉम्पोस्ट, उसका टीडीएस और पीएच अलग हो सकता है। तो ये मिसमैच हो जाएगा मीडिया के अंदर, जिसकी वजह से रूट सिस्टम हमारे ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि कौन सा टीडीएस का पानी लेना है, कौन सा पीएच हमें लेना है, तो वो मिसमैच हो जाएगा रूट सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी आप कोकोपीट यूज़ करते हो तो हमेशा प्योर 100% कोकोपीट यूज़ कीजिए। परलाइट का क्या है, बहुत सारे लोग बोलेंगे परलाइट, तो इसका भी मैं रिजल्ट बहुत जल्दी शेयर करूंगा। परलाइट का जो पीएच है वो 7 टू 7.5 के आसपास है, जबकि कोकोपीट का पीएच है 7। अब इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी मैं एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बता सकता ये प्लांट के बारे में, और मैं बताना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई गलत चीज़ पहुंचे। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वाटरिंग। देखिए वाटरिंग जैसे आप सिंडर में करते हो, मिट्टी में करते हो, वैसे ही सेम तरीके से पानी हमें कोकोपीट में भी देना है। ऐसा नहीं है कि कोकोपीट, लोगों के माइंड में ऐसा बैठ गया है कि कोकोपीट बहुत सारा मॉइस्चर पकड़ के रखता है, रूट रॉट हो सकता है, तो ये चीज़ गलत है। अगर गर्मियों की सीज़न में सिंडर में और बाद में मिट्टी में अगर आप दो बार पानी देते हो तो कोकोपीट में भी दो बार पानी दीजिए। जैसे आप ट्रीट करते हो मिट्टी वाले मीडिया को, सेम तरीके से हमें कोकोपीट वाले मीडिया को भी ट्रीट करना है, उसको अलग तरीके से ये ट्रीट नहीं करना है। मैं ये जो कोकोपीट वाला जो मीडिया है उसके अंदर मैं दिन में डेली 2 टाइम पानी देता था जब मेरे यहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही मेरे यहाँ पानी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उसके बाद से मैं इसको एक बार पानी देना मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने विंटर्स में भी ये जो कोकोपीट वाले मीडिया में भर के पानी दिया था। इनफैक्ट तब ये जो पौधे थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, लेकिन अभी ये पौधे की हाइट और एज डबल हो चुकी है, तो विंटर्स में भी फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट के अंदर बहुत ही अच्छी तरह वाटरिंग की है। तो गर्मियों की सीज़न में ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी तरह पानी देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात तक इसका मीडिया मॉइस्ट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि कोकोपीट हो या तो सिंडर हो या तो मिट्टी हो, पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, कहीं पे भी पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप मीडिया को देखोगे तो मीडिया के अंदर पानी का कहीं पे भी रुकाव नहीं है, यानी कि पानी यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं है। अगर पानी खड़ा हुआ रहता है तो बाद में आप समझ लीजिए कि ये प्लांट की जो ड्रेनेज होल है वो आपको सही करना है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नर्सरी पॉट्स। नर्सरी पॉट्स में अगर आप लगाओगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर बहुत सारे ड्रेनेज होल्स दिए गए होते हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि पॉट आप अच्छा सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मिट्टी का पॉट ले लिया और मिट्टी के पॉट में सिर्फ एक ही होल होता है, वो भी छोटा सा होल होता है, और उसके अंदर आपने कोकोपीट डाल दिया, प्लांट लगा दिया, तो आपका प्लांट बहुत ही जल्दी फेल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर पानी का निकाल ठीक से नहीं हो रहा है। तो मिट्टी का गमला अगर आप लेते हो तो उसमें भी कम से कम ऐसे होल कर लीजिए, बड़े बड़े होल कीजिए, और कम से कम 5 से 6 होल कर लीजिए, जिसकी वजह से पानी जल्दी से जल्दी ड्रेन आउट हो जाए, पानी रुकना नहीं चाहिए। मॉइस्चर भले ही इंटेक रहे पूरे दिन, ये रूट्स को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो खड़ा हुआ पानी रहता है वो प्लांट के रूट्स को डैमेज कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है वाटरिंग से रिलेटेड कोकोपीट में, जो आपको ध्यान रखना है। अब बात आएगी फर्टिलाइज़र की, कि कोकोपीट में फर्टिलाइज़र देना है या नहीं देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है। देखिए अगर जो सिंडर में आप फर्टिलाइज़र जो देते हो, सिंडर में वीकली एटलीस्ट 2 बार आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइजेशन करना होगा।
लेकिन कोकोपीट में आपको वीक में एक बार फर्टिलाइजेशन करना होगा, मिट्टी में आपको वीक में एक बार फर्टिलाइजेशन करना होगा। उसका रीज़न ये है, जो सिंडर है, सिंडर बहुत ही जल्दी सारा फर्टिलाइज़र ड्रेन आउट भी कर देता है, वो फर्टिलाइज़र को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके नहीं रखता। फर्टिलाइज़र जहाँ पे भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है उसके साथ एब्जॉर्ब होंगे सॉल्ट्स, और ये सॉल्ट्स अगर आपके मीडिया में ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो बाद में प्लांट के रूट सिस्टम कभी भी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगे। तो कोकोपीट क्या करता है और जो सॉयल मीडिया क्या करता है, ये सारा जो फर्टिलाइज़र है अपने अंदर स्टोर करके रख देता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, और धीरे धीरे वो प्लांट को प्रोवाइड करते रहेगा। लेकिन सिंडर मीडिया में ऐसा नहीं होता, पूरा जो फर्टिलाइज़र है वो रूट सिस्टम के आसपास टच होके निकल जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट में सिंडर में फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब होके रहते हैं, और जैसे ही आप दूसरे तीसरे दिन पानी दोगे सिंडर में तो वो भी निकल जाएगा बाहर। तो सिंडर में कभी भी सॉल्ट्स जमा नहीं होते, लेकिन कोकोपीट और सॉयल मीडिया में सॉल्ट्स जमा रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें वीक में एक बार फर्टिलाइजेशन करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हो उससे पहले मीडिया को अच्छी तरह पानी दे दीजिए। जैसे ही आप पानी दोगे तो सारा जो सॉल्ट्स है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और फर्टिलाइज़र देने के दूसरे दिन बहुत ही अच्छी फिर से वाटरिंग कर लीजिए। ये चीज़ याद रखिए अगर आप सॉयल मीडिया या तो कोकोपीट मीडिया में प्लांट को ग्रो करते हो, क्योंकि फर्टिलाइज़र कोई भी आप कंपनी का लोगे, डिपेंड करता है आपके यहाँ लोकल में क्या मिलता है, अगर आप ब्रांडेड भी लोगे तो भी उसके अंदर सॉल्ट्स तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो आपको बस एक ही चीज़ करना है, वो सॉल्ट्स को मीडिया के अंदर जमा करके नहीं रखना है, वो सॉल्ट्स को रिमूव कर देना है। सॉल्ट्स जैसे ही रिमूव हो जाएंगे आपका प्लांट न्यूट्रिएंट्स और पानी बहुत ही जल्दी लेना स्टार्ट कर देगा, और फाइनली आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकता है। अब बात आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोकोपीट में सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है। कोकोपीट को चाहिए रिपोर्टिंग, कोकोपीट को हर चार महीने में आपको रिपोर्ट करना ही है। ऐसा नहीं है कि उसका गमला चेंज करके बड़ा गमला दे दिया, वही गमले में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग क्यों चार महीने में करना है, चार महीने में इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर रूट सिस्टम बहुत ही जल्दी फैलते हैं, बहुत ही जल्दी इसके अंदर रूट सिस्टम डेवलप होते हैं और सारे पॉट के ड्रेनेज होल से वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ड्रेनेज होल से जैसे ही आपको लगता है कि रूट सिस्टम बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, प्लांट को रिपोर्ट कर लीजिए। इससे रूट सिस्टम कोकोपीट के अंदर ही रहेंगे, अगर रूट सिस्टम बाहर निकलते जाएंगे तो बाद में वो रूट सिस्टम अपने आप ही मरते जाएंगे, वो डैमेज होते जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि वो बाहर निकल चुके हैं और हवा के साथ उसका कांटेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो रूट सिस्टम डेड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें हर चार महीने पाँच महीने में यही प्लांट को फिर से बाहर निकालना है और फिर से थोड़ा नीचे से कोकोपीट या तो कुछ पत्थर वगैरह रख के फिर से हमें प्लांट को वही पॉट के अंदर डाल देना है, और अगर कोकोपीट डालने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा और कोकोपीट डाल के प्लांट को लगा दीजिए। हमें कोई भी उसके रूट सिस्टम को टच नहीं करना है, कोकोपीट हटाना नहीं है। अगर हटाना हो तो नीचे वाली जो सॉयल होती है, नीचे वाला जो कोकोपीट होता है वो हल्के हाथ से थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए, रूट्स को लूज़ करके फिर से नई कोकोपीट नीचे भर के हमें फिर से वो प्लांट को अंदर डाल देना है पॉट के अंदर। प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा, रिपोर्टिंग बहुत ही इजी हो जाएगी, आराम से प्लांट को आप बाहर निकाल सकोगे। मिट्टी की तरह टीडियस जॉब नहीं है, बहुत ही इजीली आप प्लांट को बाहर निकाल सकोगे और इजीली प्लांट को अंदर रख सकोगे। इससे रूट सिस्टम डैमेज भी नहीं होंगे और आपके जो प्लांट है वो सेफ रहेंगे, रिपोर्टिंग शॉक आपके प्लांट को नहीं लगेगा। और अगर लग भी गया है तो शेड में रख लीजिए प्लांट, तो दो तीन दिन में वही प्लांट आपको रिवाइव कर लेगा, फिर से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अब मॉनसून की सीज़न आने वाली है, उससे रिलेटेड कोकोपीट में केयर क्या करनी है, फर्टिलाइज़र कब से स्टार्ट करना है। अभी समर सीज़न में मैंने फर्टिलाइज़र रोक के रखा हुआ है, मैंने अभी जो भी मेरे रोजेज़ है उसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देता रहता हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड वीकली बेसिस पे देते रहिए उसको, इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मॉनसून की सीज़न में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि स्टेज वाइज हमेशा फर्टिलाइज़र दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ जो ये है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी फर्टिलाइज़र उठा के डाल दिया, हमें प्लांट की कंडीशन देखनी है, प्लांट का स्टेज देखना है, प्लांट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स कितने हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के ऑब्जर्व करके हमें फर्टिलाइज़र उसको प्रोवाइड करना होता है।
लेकिन अभी हमें फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें प्लांट के ऊपर लीव्स मेंटेन करके रखना है और रूट सिस्टम को मेंटेन करके रखना है। उसके लिए हमें सिंपल अच्छी तरह पानी देना है प्लांट को। अगर आपने ओपन में रखा है या तो ग्रीन नेट में रखा है तो रखने दीजिए, सेम पोजीशन सेम जगह पे रखिए, वाटरिंग अच्छी कीजिए, शावरिंग कीजिए और बाद में प्लांट के अंदर वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड डालते रहिए वीकली वीकली बेसिस पे। इसके अलावा अभी कोई भी केयर नहीं करनी है प्लांट में। फ्लावर बर्ड्स आते हैं उसको कट कर लीजिए, क्योंकि फ्लावर्स की जो साइज़ होगी वो छोटी आएगी, ज़्यादा बड़े फ्लावर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा फ्लावर्स मत लीजिएगा। जैसे कि देख रहे हो मैंने ये सारे कट कर दिए हैं फ्लावर्स, जैसे ही फ्लावर्स कट करेंगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी और न्यू शूट्स जैसे जितनी ज़्यादा न्यू शूट्स निकलेगी प्लांट के ऊपर उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में लीव्स भी निकलते जाएंगे। तो अभी यही चीज़ पे फोकस रखिए। मॉनसून की सीज़न में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।